जय हिंद बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं झांसी से कुछ मुख्य खबरों की ओर। सपा से राजनीति में आई भाजपा की एमएलसी रमा निरंजन ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने निरंतर पार्टी में रहते हुए सभी लोगों को आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी। भाजपा एमएलसी ने कहा कि आज उनका राजनीतिक वजूद केवल इसलिए है क्योंकि उनकी शुरुआत मुलायम सिंह यादव ने कराई थी। वहीं एमएलसी प्रतिनिधि आरपी निरंजन ने भी सपा सुप्रीमो के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव एक राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं बल्कि पूरी विचारधारा थे। उनका निधन राजनीति के क्षेत्र में एक ऐसी क्षति है जिसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती। ऐसा है, सबसे पहले हम अपने श्रद्धेय अपने सम्माननीय माननीय मुलायम सिंह जी यादव जी को श्रद्धा सम्मान अर्पित करते हैं और हम वो चीज़ें नहीं भूल पाएंगे जो उन्होंने मुझे दिए गए। एक दिन याद है जब माधोगढ़ का चुनाव चल रहा था, दलगंजन सिंह लोक दल के प्रत्याशी थे, सरकार थी कांग्रेस की, हम और डॉक्टर चंद्रपाल सिंह जी वहाँ उस टाइम गए हुए थे। हम सरकारी नौकरी में थे लेकिन हम लोग भी सरकारी नौकरी में रहते हुए भी हम अपने समाजवादी विचारधारा जुड़े हुए थे, तो मुलायम सिंह से कोई अच्छी समाजवादी विचारधारा नहीं थी। हम उनसे बहुत प्रभावित थे। वहाँ भी देखा हमने कि जब वहाँ लाठी चली तो माननीय नेताजी ने पीछे नहीं हटे, उनने कहा नहीं हम बूथ कैप्चरिंग नहीं होने देंगे और उनने वो सब करके दिखाया और वहाँ लोक दल पार्टी पहली बार दलगंज सिंह चुनाव जीते थे। इसलिए वो संघर्षशील नेता रहे, हमको तो उनके साथ बहुत काम करने का मौका मिला। हम लोग मौठ में जाते थे, मौठ से जब उस टाइम एक बीटी गाड़ी चलती थी वो अकेले डिब्बे में होते थे, हम तीन चार लोगों के मुलायम सिंह नेता जिंदाबाद जिंदाबाद गले लगाते थे कि बेटे आगे बढ़ो। तो मुझे आज आगे बढ़ाने में बहुत दिन एक दिन वो आज स्वदेश प्रेस का जब वो मुख्यमंत्री थे आपके यहाँ झांसी में दीनदयाल सभागार में कार्यक्रम चल रहा था, हमारे उस टाइम डीएम को बुला के कहा जी आरपी निरंजन बीच में बैठा है इसको बुलाओ। जब हम वहाँ गए तब मुझे लगा कि तब पहचानते हैं, इसलिए उनको पहचान थी और उनकी हम ऋणी हैं कि उन्होंने रमा निरंजन को टिकट देकर एमएलसी बनाया और एक राजनीतिक क्षितिज में लाया। हम उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं। हे मुलायम सिंह जी, हम आपको जिंदगी भर याद करते रहेंगे, जो आप दे के गए शायद और कोई नहीं दे पाएगा। मैं मुलायम सिंह जी के बारे में सबसे पहले एक शब्द मुझे मेरे कानों में बराबर गूंजता है कि जब मुझे उन्होंने टिकट दिया, मेरे पति निरंजन जी ने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो उन्होंने कहा था कि नहीं मैं बहू को लड़ाऊंगा और बहू को लड़ने दो, आगे आने दो, आप साथ में रह के काम करना। और जब मैं विधान परिषद पहली बार चुन के उनसे आशीर्वाद लेने पहुंची, तो उन्होंने मुझसे एक शब्द कहा कि रमा जी मेहनत करना और ईमानदारी से पार्टी में काम करना। जब से मेरे कानों में वो शब्द बराबर गूंजते हैं कि हमारे मसीहा माननीय मुलायम सिंह जी जमीनी नेता, किसानों के मसीहा, किसानों की आवाज़ उठाने वाले आज हमारे बीच में नहीं है। मुझे जब मैंने उनका कल सुना तो बहुत दुखी हुई कि आज हमारे जिन्होंने हमें इस सीट पर बैठाने का काम किया आज हमारे बीच नहीं है। मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और ईश्वर से कामना करती हूँ कि जहाँ भी हों वो अच्छे हों, उनके परिवार को सुख शांति दे और आगे बढ़ाने की सहन शक्ति प्रदान करे। पुनः मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ।